हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, हम इस पर आज बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम कोई भी आवेश रखते हैं, जैसे धन आवेश या ऋण आवेश, तो अगर हम धन आवेश यहाँ पर रखेंगे, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब ये वैद्युत बल आवेश से निकलकर आगे की ओर चलेगी, और अगर हम इसके सामने एक कोई पृष्ठ रख दें कि ये बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं यहां पर जाएगी और इस पृष्ठ को पार करेगी, यानी इस पृष्ठ से ये वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरेंगी, तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, ये आवेश है, इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ, इस पृष्ठ की हम सिर्फ कल्पना करते हैं, तो ये किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, जो इस पृष्ठ से गुजर रही, गुजरने वाली ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा होती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो इसको आप लिख लेंगे, नोट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई, ये सिंबल होता है इसका फाई, उसके नीचे यहां कैपिटल ई, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अब यहां पर देखें तो हम मान लेते हैं कि कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, यानी इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ पर ई है, और जहां से अगर हम पूरे को ना लेकर एक छोटा सा भाग ले लें, एक छोटा सा इसका एक भाग ले लें, मान लो इसका क्षेत्रफल को हम लिख रहे हैं डी ए, और यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है इसके हम लिख रहे हैं ई, तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, तो परिवर्तन का ही लिखे, यदि किसी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा पृष्ठ के लघु भाग का क्षेत्रफल डी ए, स्मॉल डी कैपिटल ए हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो छोटे पृष्ठ की अगर हम बात करें तो छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, लेकिन इसके अगर डी लगा देते हैं, लघु पृष्ठ से है तो ई, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, वेक्टर ई लिखे कैप, तथा लघु पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर डी ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो अब यहां पर यह हो गया आपका फाई ई। संपूर्ण पृष्ठ अगर हम ले,
संपूर्ण पृष्ठ को ले कि पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो इसका समाकलन कर देंगे डी फाई इंटू, इधर भी समाकलन करेंगे ई डी ए, पृष्ठ का समाकलन इसलिए यहां पर ए लिख दे रहे हैं। इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि ये क्षेत्रफल का समाकलन हो रहा है, यानी पृष्ठ का समाकलन। इसको हम समाकलन क्या करते हैं, ये आपका फाई ई हो जाएगा, अगर ये पृष्ठ बंद है, बंद पृष्ठ के लिए इक्वल टू, इस समाकलन में हम ये इस तरह से बना रहे थे, इसका अर्थ बस ये होता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, यानी बंद पृष्ठ का समाकलन, यानी जिस पृष्ठ का भी समाकलन हो रहा है वो बंद है, तो पूरी तरफ से बंद है, इसलिए यहां पर ये सिंबल बन जाता है ई डॉट डी ए। यदि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच का कोण थीटा हो, तो अगर हम इसके बीच का कोण थीटा दिया हो तब तो फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, तो इसको नोट कर लेंगे ठीक। तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला ये क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रा, अब इसका अगर हम मात्रा निकालना चाहें तो इसमें क्या आता है ई और ए, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए मतलब क्या हुआ क्षेत्रफल, यानी ई का मात्रा इंटू ए का मात्रा ई का मात्रा हो न्यूटन प्रतिकूलांक, ए का मात्रक क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक क्या बन गया पाई ई का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रतिकूलांक, ये हो गया इसका मात्रक। अब अगर बीमी सूत्र अगर हम निकालें इसका बीमी सूत्र, कॉल हो जाएगा ई का भी मीन सूत्र इंटू ए का भी मीन सूत्र, तो अब यहां देखें ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मीन सूत्र, तो इसको मात्रक से अगर हम देखें तो ये न्यूटन प्रतिकूलांक लिखा है, तो न्यूटन नहीं बल का भी मीन सूत्र, बल का हो गया एम एल टी माइनस टू बटे कूलांब, यानी आवेश, आवेश के भी मीन सूत्र ए टी
ए यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का भी सूत्र क्या होता है एल टू। अब इसको यहां से अगर लिखें तो एम एक यम है, यल एक यहां, दो यहां, तो यानी एल थ्री हो गया। टी ये टी ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस वन हो जाएगा, ऊपर पहले से माइनस टू है यानी कितना हो गया माइनस थ्री, और ए ऊपर जाएगा ए माइनस वन, ये आपका आ गया फाइव ई का विनिमेय सूत्र। इसको भी लिख लेंगे, हम लिखेंगे गॉस कवर में अगली हेडिंग, देखिए गॉस कवर में क्या कहता है, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए गॉस का भी प्रमेय है, यानी जो अभी हम वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए फार्मूला का यूज किए हैं, ठीक है, कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल टू होता है ई इंटू ए या डी ए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। लेकिन गॉस क्या कहता है वैद्युत फ्लक्स के लिए, गॉस ये कहता है किसी बंद पृष्ठ, लेकिन यानी गॉस का जो प्रमेय है वो एक बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है, यानी एक ऐसा पृष्ठ जो बंद हो, ठीक है, यानी वो स्फीयर हो, वेल शंख हो, वेलन हो, यानी अंदर से बंद हो। तो गॉस ये कहता है किसी बंद पृष्ठ, यानी ये कोई ऐसा पृष्ठ लिया जाए जो चारों तरफ से क्या हो बंद हो, और उस बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश स्थित है, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, अगर यहाँ पर कोई आवेश है क्यों, तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और फिर ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर भी निकलेंगी। तो जब ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो किसी इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, अब किसी पृष्ठ से जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो उसी की संख्या के माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी इस बंद पृष्ठ का भी कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स होगा। तो गॉस इसके लिए क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर बद्ध आवेश यानी क्यू, जितना भी उस पृष्ठ के अंदर आवेश है उस पृष्ठ का मतलब वन अपॉन एप्साइलन नॉट गुना होता है कौन वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई। फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू इनटू ए ये होता है, ठीक है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होता है। लेकिन गॉस ये कहता है कि अगर वो पृष्ठ बंद है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई वो इतना तो होगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी होगा कि उससे के अंदर जितना भी आवेश बंद है उस आवेश का वन अपॉन एप्साइलन नॉट यानी उस आवेश में एप्साइलन नॉट से भाग दे दीजिए तो जितना भी आएगा वो उसके का वैद्युत फ्लक्स होगा। तो गॉस का प्रमेय लिखें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का वन अपॉन एप्साइलन नॉट एक बटा एप्साइलन नॉट वन अपॉन एप्साइलन नॉट गुना होता है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर क्यू आवेश स्मॉल क्यू आवेश उपस्थित है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू इंटू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया, आप इसको फिगर जैसा बनाना चाहते हैं, देखो ये पृष्ठ है और इसके अंदर कोई आवेश है क्यू, तो इससे गुजरने वाला क्या हो गया वैद्युत फ्लक्स, ये फिगर बन गया यहां तक। ठीक, तो आज की क्लास बस इतनी, इसके आगे तक।